नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे होली को लेकर। होली मनाने के लिए लोग अपने अपने प्रदेश पहुंच रहे हैं। इसको लेकर रेलवे की तरफ से भी लगातार ट्रेनों को लेकर अपडेट जारी किया जा रहा है। इस बार होली को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन की स्थिति है। बता दें कि होली का त्यौहार फाल्गुन महीने के पूर्णिमा को होलिका दहन के साथ जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। होली की शुरुआत होलिका दहन के साथ होता है और यह फाल्गुन की पूर्णिमा को होता है। इसके बाद चैत महीने की होली की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार होली को लेकर लोगों के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है। तो आइए आपको हम बताते हैं होली में होने वाले कन्फ्यूजन के बारे में और इस बार की जो कन्फ्यूजन है किस किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है। इस बार होली को लेकर कन्फ्यूजन की शुरुआत फाल्गुन पूर्णिमा से है। फाल्गुन पूर्णिमा इस बार 17 फरवरी को है और इस दिन पूर्णिमा की शुरुआत दोपहर को 1:30 से शुरू होती है और इसका अंत 18 मार्च को दोपहर के 12:48 पर होगी। बता दें कि पूर्णिमा के दिन ही होलिका का दहन होता है, वह भी रात में। ऐसे में पूर्णिमा को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:33 से 8:58 तक है। इसके बाद रात में 1 के बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त आ रहा है। पूर्णिमा की रात में भद्रा मुख का प्रवेश होता है और उसका समय जो है 17 फरवरी को रात के 10:14 से 12:11 तक है। वहीं भद्रा पुक्ष का काल जो है रात में 9:04 से 10:14 तक है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं होली को लेकर। होली का त्यौहार चैत मास के प्रतिपदा यानी कि पहले दिन मनाया जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों और पंचांगों की माने तो इस बार पूर्णिमा 18 फरवरी को दोपहर के 12:18 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि आप 18 मार्च को दोपहर के बाद होली खेल सकते हैं, क्योंकि होली का त्यौहार चैत मास के पहले दिन खेला जाता है जो कि इस बार दोपहर के बाद आ रहा है। धर्म ग्रंथ के जानकारों की माने तो यह दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि 18 मार्च को सूर्य का उदय पूर्णिमा में हुआ है, इसलिए यह दिन पूर्णिमा होगा और 19 मार्च को जब सूर्य का उदय होगा तो वह दिन प्रतिपदा यानी कि चैत मास का पहला दिन होगा। इस लिहाज से होली 19 मार्च को खेला जाएगा। दो अलग अलग तर्क हमारे सामने आए। पहला तर्क यह है कि 18 मार्च को जो है दोपहर के बाद पूर्णिमा की समाप्ति हो रही है, इसलिए जो है उस दिन जो है दोपहर के बाद होली खेला जा सकता है। एक दूसरा तर्क जो हमारे सामने आया उसमें यह कहा जा रहा है कि 19 तारीख को जो है सूर्य का उदय प्रतिपदा में हो रहा है, इसलिए होली का त्यौहार जो है 19 तारीख से मनाया जाएगा। देश में अगर हम क्षेत्र के हिसाब से देखें तो सुबह सुबह का समय होता है जिसमें कि धुड़खेली होली होती है, जिसमें कि लोग कीचड़ के साथ होली खेलते हैं। इसमें लोग अपने आसपास की गंदगी को दूर करते हैं, साफ सफाई करते हैं और इसी गंदगी के साथ अपने मन में बैठे मैल को भी एक दूसरे से दूर कर लेते हैं ताकि आने वाले दिनों में एक दूसरे के प्रति जो है प्यार और बढ़ सके। इसके बाद दोपहर का समय होता है और रंग गुलाल के साथ होली खेलने की शुरुआत जो है इसमें हो जाती है। इसमें लोग अपने दोस्तों के यहाँ आते हैं और जाते हैं, एक दूसरे से आशीर्वाद लेते हैं और छोटों को प्यार बांटते हैं और इस तरह इनका होली का त्यौहार समाप्त होता है। होली का त्यौहार प्यार मोहब्बत का त्यौहार है। इस पर्व में लोग पुराने गिले शिकवे को भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और प्यार बांटते हैं। हम उम्मीद करते हैं यह होली आपके जीवन में रंगों का बहार लेकर आए। हैप्पी होली। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।